सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ 10 में फ़ोटो ऐप जो होता है, जब भी हम ये माउस का व्हील जो होता है तो हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट फ़ोटो आ जाती है, तो इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट जूम और जूम इन कैसे सेट कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आपने हमारे AQ Tech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको विंडोज़ 10 के सर्च बार में टाइप करना है यहाँ पर फोटोज़। ओके, टाइप करने के बाद आप इसको इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर इस फोटोज़ की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, उसके बाद देख सकते हैं माउस व्हील। यहाँ पर ये जो है डिफ़ॉल्ट वेव नेक्स्ट और प्रीव्यू आइटम है, तो हम इसको यहाँ पर जूम इन एंड आउट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक वॉलपेपर ओपन करके बताऊँगा आपको। ओके, तो अब आप ये वॉलपेपर जो मैंने ओपन किया आप देख सकते हैं। अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये जूम हो जाएगा। ओके, फिर से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं अपने स्क्वायरल व्हील को। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। AQ Tech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।